सो गाइज, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फेम पे एप्लीकेशन का वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ में कैसे KYC कर सकते हैं। यानी आपको दोनों स्टेप मैं एक वीडियो बताने वाला हूँ, तो आप सब जरूर इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा। सबसे पहले आपको जो मोबाइल नंबर पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए वो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए पहले, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यानी साइनअप आपको पहले करना पड़ेगा। चलो फाइनल में साइनअप का प्रोसेस आप कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे इधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इन्वाइट का आपको ऑप्शन मिलता है। यानी आपको नीचे में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है जेट इनवाइट फॉर्म फ्रेंड्स का, तो फाइनली आप इस पे क्लिक कर दीजिए। चलो मैं इनवाइट पे क्लिक करता हूँ। इनवाइट पे क्लिक करने के बाद आपको इनवाइट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि कभी भी उस मोबाइल नंबर पर कॉल मत कीजिए, सिर्फ आप इन्वाइट के लिए रिक्वेस्ट डालिए, उसके बाद फाइनली आपको मैं इधर से अप्रूवल दे दूंगा, उसके बाद फाइनली आपका अकाउंट जो है इधर से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कॉल कोई भी मत कीजिए प्लीज़, सिर्फ आपको अपने रिक्वेस्ट के लिए इसको यूज कीजिएगा, कॉल कोई भी मत कीजिए। इसके बाद मैं देखेंगे इधर आकाउंट मैं मेरा मोबाइल नंबर नीचे में दिया गया, जिसमें आपको इधर एक रिक्वेस्ट मैं जैसे आपको दूसरा अकाउंट मैं आपको सामने बना के दिखाता हूँ किस तरह से बनता है। इसके लिए आपको इधर से रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो मोबाइल नंबर है, बट मैं आपको नीचे वाले पे एक बार रिक्वेस्ट करके इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फाइनली मैं रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दिया। तो गाइस, जैसे मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक किया हूँ, जो मेरा सेकंड अकाउंट है वो मैं नीचे में मेरा दोनों अकाउंट चालू है। चलो मैं दूसरा अकाउंट में आपको दिखलाता हूँ ये रिक्वेस्ट आया है कि नहीं। तो गाइस, ऊपर में आप देखेंगे हमको एक मैसेज दिख रहा है इधर, गाइस देखेंगे कि धर्मेंद्र यादव रिक्वेस्ट यानी इन्वाइट हमको किया गया है, यानी दूसरे अकाउंट से मैं इसको दूसरे नंबर पर मैं इन्वाइट किया हूँ। तो चलो फाइनली इधर एक दो ऑप्शन मिलता है, इधर से मैं रिएक्ट भी कर सकता हूँ, एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। तो आप सब मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ, आप सब रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चलो फाइनली मैं इस पर एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद फाइनली जो मेरा अभी नया अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ उस पर जो मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलने वाला है, तभी चलता हूँ दूसरे अकाउंट पे जिसमें अभी मैं एक्सेप्ट किया हूँ जो अकाउंट का। तो गाइस देखें, फाइनली हमको वेलकम धर्मेंद्र, हमको बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट फाइनली तरीके से चालू हो चुका है, अभी आप फाइनली अपना अकाउंट इधर से अप्रूवल कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे पूरे तरह से आपका अकाउंट चालू हो गया, जैसे अप्रूवल उधर से आपको मिलेगा उसके बाद आपका अकाउंट इधर से चालू हो जाएगा। चलो फाइनली मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। उसके बाद फाइनली अगर आप KYC करना चाहते हैं तो KYC भी कर सकते हैं, अदरवाइज इधर एक ऑप्शन दिया गया एस्केप का, तो आप सब विदाउट एस्केप भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा KYC जरूर कर लीजिएगा अगर आप सबको मनी ट्रांसफर करना है। तो आप लोग अगर इस वॉलेट को क्रिएट कर रहे हैं, आप सब मनी ट्रांसफर करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जरूर इसको KYC कर लीजिए। चलो फाइनली मैं KYC का प्रोसेस अभी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, जिधर आप देख पाए इधर बताया जा रहा है कि इंटर योर आधार कार्ड नंबर, यानी आप अपना आधार कार्ड का नंबर इधर फिल कीजिए। तो गाइस, मैं फाइनली अपना आधार कार्ड का नंबर इधर फिल कर दिया हूँ। आधार कार्ड का नंबर फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यानी आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इधर नीचे में सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली में देखेंगे आधार कार्ड की तरफ से हमको OTP आ चुका है, तो फाइनली मैं अपना OTP इधर फिल करता हूँ। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद गए देखेंगे आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा, यानी आपका अकाउंट इंस्टेंट में KYC हो जाएगा। चलो हम वेट कर लेते हैं, जो कि अभी इंस्टेंट में आपका जो देखेंगे वॉलेट KYC सक्सेसफुल हो गया है, और देखें वेरीफाई सक्सेसफुल आपका जो है, अभी आपका जो पूरे साल का ट्रांजेक्शन दिया है 2 लाख आपको दिया गया है ट्रांजेक्शन, आप 2 लाख तक इस वॉलेट से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इधर आप अपने फ्रेंड को अभी इनवाइट करना चाहते हैं तो क्रिएट फैमिली पर आप क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को इधर से इनवाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एस्केप करके अपना वॉलेट को शुरू कर सकते हैं। चलो फिर मैं क्रिएट पे करता हूँ। क्रिएट करने के बाद जितना भी आपका फ्रेंड रहेगा या अपन जितना भी इसमें आप अकाउंट सेव करके रखें उनका अकाउंट नंबर आपको मोबाइल नंबर इधर शो हो जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर इधर से उनको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो आप स्किप करने के बाद फाइनली आपका अकाउंट देखेंगे शो हो चुका है। उसके बाद इधर आपको चाहे तो आप इसमें लोड मनी कर सकते हैं, चाहे तो अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देख सकते हैं, जो भी चाहे इधर से आप कर सकते हैं, यानी हर फैसिलिटी आपको अभी इनेबल इस वॉलेट में हो चुका है। तो चलो मैं अभी आप दिखलाता हूँ इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड किधर मिलता है। तो गाइस, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड ढूंढने के लिए ऊपर हम देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला वाला ही आपको उधर क्लिक करना पड़ेगा, जो ऊपर में जो आप कार्ड दिख रहा है इस कार्ड पे आपको क्लिक कीजिए। चलो पहले मैं इस कार्ड पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस, जैसे आप इस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप देखेंगे आपका कार्ड इधर शो हो गया, उसके बाद फिर से आपको डबल क्लिक इस कार्ड पे रुपया पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपका कार्ड शो हो जाएगा, उसके बाद नीचे में क्योंकि हाइड हो गया रिकॉर्ड इधर अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दिखला रहा हूँ। उसके बाद आपको CVV कोड डालना है तो आपका मोबाइल का लॉक ओपन करना पड़ेगा, आपका CVV कोड इधर से शो हो जाएगा। तो गाइस आप सब इस तरीके से अपना इस वॉलेट को फुल KYC के साथ साथ अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो का लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो आप सब कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।